वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज हम फिर से बातों का सिलसिला करेंगे, एक और बार बातें ही करेंगे। तो थोड़े दिन पहले आया कि चलो क्लास 10 वाले टाटा बाय बाय, तुम्हारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तुम लोग प्रमोट कर दिए गए हो। उसके बाद आई प्लस टू की खबर। अब मैं सोचूं कि भाई साहब, इसे कहते हैं कि भगवान के भरोसे पास हो जाएंगे वाला चीज़ हो गए सारे। मतलब वो जो लोग होते थे ना, जो पहले ताने मारते थे कि बेटा पास कैसे होगे, पास होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, अरे कोरोना ने तो वो भी साबित करके दिखा दिया कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, बताओ हद है। पर ये बच्चे बोलेंगे क्या, हम क्लास 10 और 12वीं पास हैं या प्रमोटेड हैं? डाउट का क्वेश्चन है, क्योंकि पास तो वह लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि वह लोग को प्रमोट किया जा रहा है। बेचारे कभी बोल नहीं पाएंगे कि हम मेहनत के बल से पास हुए हैं या पास हुए हैं, बेचारे। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी हमारे भी पेपर आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, जल्दी हो जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए बस। उसके बाद अब बात करते हैं, अरे आज तो संडे है, तो बताओ आप सबने क्या क्या किया। फादर्स डे था, कुछ किया मुझे था। अच्छा जो भी हो ना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ऐसे रिप्लाई दोगे मुँह से तो मेरे को समझ नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा, लॉस हो जाएगा मेरा। तो थोड़ा कमेंट सेक्शन को डाल देना कि क्या क्या किया फादर्स डे पे। एक और पते की बात कर लेते हैं इसी बात पे। तो अरे ऐसे हिलते हिलते याद आया मेरे को, हिलते हिलते बात कर रही हूँ ना आप लोगों से, कि मेरे ना क्लास जो पहला वाला स्कूल था मेरा, आसाम वाला, उसमें ना एक स्टूडेंट होता था, वो ना ऐसे हिलते हिलते हमेशा बोलता था, ठीक है। तो हमारे हिंदी के जो टीचर, ये होता है जब लॉकडाउन के टाइम एक्सटेंड हो जाए, ग्रर आवाज़ आती रहती है, ओके कम बैक। तो हुआ ये कि वो ना ऐसे ऐसे हिलते हिलते ना, कोई भी वाइवा होता था, कोई भी प्रैक्टिकल का होता था, कोई रिसाइटेशन होती थी, वो ऐसे हिलते हिलते बोलता था। तो हमारा हिंदी का टीचर था, वो बोलते थे कि बेटा ऐसे हिल हिल के क्यों गा रहे हो, यहाँ पे क्या वो तुम्हारी नर्सरी राइम्स चल रही है जिसमें तुम ऐसे कहते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वगैरह, ओके कम बैक। तो पते की बात ये है कि आज के दिन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे भी है, ठीक है। तो ये हर साल यूएन मनाते हैं उन रेफ्यूजीज़ के याद में, ठीक है। तो यही है आज की कहानी, और क्या है, हवा अच्छी चल रही है, मतलब पिछली बार ब्लॉग शूट करते करते पसीना आ गया था मेरे को, हाँ आज चीटी भी नहीं है, मतलब समझ गए होगे जो रोज़ देखते हो, ठीक है। और मतलब जब जब निकलती है तब देखते हो, बस इतना ही है। अभी प्रैक्टिकल फाइल्स बची हुई हैं, वो बनाने जाना है मेरे को, सबमिशन डेट्स आ रही हैं और कंप्लीटेड नहीं है, चलो हो जाएंगी, मतलब ये नहीं कि लेट सबमिशन होंगी, हो जाएंगी, टाइम पे होंगी, चिंता मत करना। इसी के साथ मतलब मैं अभी भी मतलब हाथ पीछे करके हिल क्यों रही हूँ मेरे को नहीं पता, ये चल क्या रहा है आज मेरे साथ पता नहीं, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे, चलते चलते तो बोल नहीं सकते, देखते देखते, ठीक है, बाय।